देखिए जरा, प्रिपरेशन यहां तक हमने करी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। एनहाइड्रस मतलब हम 100% प्योर की बात कर रहे हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, सेलिबल है। डाई मैग्नेटिक विस्कस लिक्विड है। डाई मैग्नेटिक विस्कस लिक्विड मतलब समझ पा रहे हैं इस बात का? क्यों भाई? हाँ सर, है ना, तो वीक एसिडिक है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका, कि हम H2O2 बना तो लेते हैं, बट बनने के बाद जो है तो बनने के बाद H2O2 अपने आप ही ना वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आप चेक करोगे ऑक्सीजन -1 से -2 हो रहा है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ बताइए। और -1 से 0 क्या हुआ? तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को? डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, यस सर। इसके इस डिकम्पोजिशन को प्रेजेंस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ एल्कली, प्रेजेंस ऑफ लाइट फेवर करते हैं। मतलब इनमें से कुछ भी मिलेगा तो और फास्ट डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसलिए हमको जब कभी इसे स्टोर करना है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्टोरेज का ये क्वेश्चन मोर देन में पूछा गया था। वैक्स लाइन ग्लास बॉटल चाहिए, मतलब ग्लास बॉटल के अंदर वैक्स की कोटिंग कंपलसरी है, या फिर डार्क कलर की प्लास्टिक की बॉटल आप ले लीजिए। इतना ही नहीं, पैरेलली हमको निगेटिव कैटलिस्ट, इनहिबिटर या रिटार्डर भी ऐड करना होगा। इस कैटेगरी के में आपका H3PO4 और ग्लिसरॉल आता है। काम क्या है इसका? प्रिवेंट और स्लो डाउन द डिकम्पोजिशन, मतलब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे स्लो करेगा या रोक देगा। ठीक, इसके बाद बाई नेचर एसिडिक होता है। कैसे प्रूव करेंगे कि एसिडिक है ये? तो हमने H2O2 में NaOH डाला, देखिए आप, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और डाला तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है इसलिए एसिडिक है। एसिडिक होने का एक और भी एविडेंस आप बोल सकते हो, स्किन पे ब्लिस्टर कॉज करता है, अगर आपकी स्किन पे गिर गया तो टैटू बना देगा। देन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में पॉसिबल है, पर बेस्ट मीडियम जो है वो एसिडिक होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना कॉपी कर लें। सर वो डीकम्पोजिशन में मेटल के बाद क्या लिखा है वो? एल्कली। ओके सर। सर वो कलरलेस के पहले क्या लिखा है? एनहाइड्रस। इनहिबिटर के साइड में क्या लिखा है? रिटार्डर। रिटार्डर, रिटार्डर। ओके सर। सर आपने मेटल के बाद में क्या लिखा है? भाई अगर आप सुनेंगे नहीं एक बार में तो मैं दोबारा रीड नहीं करूंगा, ठीक है? मैं पहले भी बता चुका हूँ एल्कली लिखा हुआ है।
डन। सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं आपको रिएक्शन सिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में 90% रिएक्शन को कवर करती हुई ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको अभी मैं सिखाऊंगा। मैंने अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताया था H2O2। अभी ये बात समझ लीजिए, किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किन पर डिपेंड करते हैं? वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक H2O2 है हर रिएक्शन में, और दूसरा ये जो बीच में हमने कॉलम में लिखा हुआ है। तो जब कभी भी H2O2 किसी रिएक्शन में आता है तो इट गेट्स फिक्स्ड बाय प्रोडक्ट। वाटर जरूर बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अलॉन्ग विद जो हमको ये दे रहा है वो क्या दे रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और परमानेंट मॉइस्ट ब्लीचिंग होगी। अब ये ब्लीचिंग क्या होती है? तो ब्लीचिंग का मतलब है अगर हम किसी कलर बॉडी के ऊपर H2O2 डाल दे तो टर्न्स टू कलरलेस। देखिए ऐसा हम बोलते हैं कलर टू कलरलेस, बट इट डजंट मीन बफेलो कन्वर्ट इनटू काउ। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि एकदम कलर उड़ जाता है। यस, इंटेंसिटी ऑफ कलर को ये डिक्रीज कर देते हैं, और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका हेयर कलर। आपके हर हेयर कलर में ये जरूर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे बालों के ऊपर तो ये बालों का कलर चेंज कर देता है। ठीक है, तो अभी आपको पहले ये पूरी एक ही रिएक्शन है, मतलब एक ही कॉलम का है, मैंने मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने लेफ्ट राइट लिखा है। राइट साइड में प्रोडक्ट बनाने के लिए जगह जरूर रखिएगा, पहले रिएक्शन कॉपी करिए फिर मैं इसकी ट्रिक सिखाता हूँ कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसे। सर वो लेफ्ट साइड के कॉलम में लास्ट वाले में C6H6 के बाद ब्रैकेट में Fe लिखा है क्या? प्रॉपर, हाँ एफ ही लिखा है ब्रैकेट में।
डन सर। हो गया सबका कॉपी? यस सर। अब मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूँ इसको कहीं सेपरेटली लिखिएगा, क्योंकि ये रूल्स सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं आगे के लिए भी यूज होने वाले हैं। तो आप पहले कॉपी कर लेंगे रूल्स, फिर मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज करना है। कहीं भी ऐसी जगह लिखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े तो मिल जाए हमको। करिए कॉपी।
कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, अब आ जाइए जरा रिएक्शंस पे वापस से और ध्यान से देखिए कि प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं आपको। पहली रिएक्शन मैं करूंगा, फिर आप करोगे, और 100% मैं बोलता हूं अगर रूल्स आपको समझ आ जाएंगे एप्लीकेशन, तो एक एक रिएक्शन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ दो रिएक्टेंट है, एक H2O2 और दूसरा PBS है, और प्लीज लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली, 2 मिनट के बाद ये मत बताना नेटवर्क चला गया था, मैंने सुना नहीं है। H2O2 की वजह से एक वाटर मिलना कंपलसरी है। अब क्योंकि सारी रिएक्शन में H2O2 आ रहा है, तो यहां से ये बात कंफर्म है कि भाई वाटर 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 एवरी रिएक्शन में आना है। मैं एरो बना दे रहा हूं, आप H2O लिखिएगा प्रॉपर। एक प्रोडक्ट हमने फिक्स कर दिया, अब और क्या और क्यों बनना चाहिए? अब हमें लेफ्ट पे देखना है, हमारे पास सल्फाइड है, S-2 है। सल्फाइड किसमें कन्वर्ट होता है? H2S। सल्फेट। सल्फेट। PBS बिकम PbSO4। PBS ब्लैक होता है और PbSO4 व्हाइट। तो हमसे पहले तो कलर के लिए ही पूछा गया है, तो कलर हमने यहां से कंफर्म कर दिया। अब आपको ये चेक करना है लेफ्ट टू राइट जो एटम्स हैं वो एटम्स आए हैं कि नहीं। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, एटम्स चेक कर रहे हैं। पीबी लेफ्ट पे था, राइट पे पीबी है। लेफ्ट पे सल्फर था, राइट पे सल्फर है। लेफ्ट पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, राइट पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दैट्स इट, रिएक्शन इज कंप्लीटेड नाउ। एनी डाउट? नो सर। सोलेंट ऑक्सीजन। अब आपको ट्राई करना है, गलत होती है हो जाने दीजिए, पर ट्राई जरूर करिए। मैं डिस्कस करूंगा हर रिएक्शन के प्रोडक्ट का, अगर कहीं पर वाटर भी बन रहा है ना एक्स्ट्रा, तो उसका भी रीजन होता है, हर रिएक्शन का रीजन होता है। मैं आपको रीजन दूंगा, एक बार आप ट्राई कर लीजिए रूल्स को यूज करते हुए, फिर मैं मेरी चांस है। फटाफट से करिए सर। नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज कंज्यूम्ड, दैट्स अ इंटरमीडिएट, वही तो कंज्यूम हुआ तभी तो सल्फाइड का सल्फेट हुआ। हां ठीक है सर। सर जो पीबी प्लस टू था वो प्लस फोर नहीं होगा?
ये मैंने लेट कमर्स को जो है ना अभी अलाउ किया है, नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, और डोंट एक्सपेक्ट कि आप कभी भी आओगे और आपको कभी भी आओ और आपको कभी भी कुछ भी बताया जाएगा। लेक्चर अगर आप ऑन टाइम ज्वाइन नहीं करते हो तो नो नीड टू ज्वाइन। और क्या डाउट पूछ रहे थे, किसको डाउट आया? सर जो पीबी है, पीबी प्लस टू वो प्लस फोर नहीं बनेगा? नहीं, एक बार में एक ही चीज ऑक्सीडाइज होती है। दूसरा, रूल्स में मेरे ख्याल से ऊपर लिखा था एनायनिक ऑक्सीडेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है एनायन के ऑक्सीडाइज होने की। अगर एनायन नहीं है ऑक्सीडाइज होने के लिए तब कैटायन ऑक्सीडाइज होता है, पर एक बार में एक ही चीज ऑक्सीडाइज हो सकती है। ओके सर।
हो गया कंप्लीट रिएक्शंस? सर ट्राई किया, सब हो गई, सारी ट्राई कर ली? हाँ सर। मैं ये बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप एक ही बार में सब सही कर दोगे, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपके सही होंगे, और जो गलत होंगे तो आज आप सीख भी जाओगे उन चीजों को। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से जरा। दूसरे रिएक्शन में हमारा CDSO4 बनना चाहिए, इज इट राइट और रॉन्ग? यस यस सर। H2S वाले केस में सल्फर बनना चाहिए, इज इट राइट और रॉन्ग? गुड। Na2SO3 बिकम Na2SO4, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। रॉन्ग किया किसी ने? NaNO2 बिकम NaNO3? यस सर। इसके बाद हैलाइड बिकम हैलोजन, इज इट? यस सर। अब इसके बाद यहां पर हमको देखना है कि क्या लेफ्ट वाले सारे एटम साइट में आए? नहीं, K नहीं आया, SO4 नहीं आया, दैट कंबाइंड टू फॉर्म K2SO4 आल्सो, सो दिस इज द एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इज इट? कोई बना पाया क्या? yes, सही है लोगों का? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखिए फेरस सल्फेट है, मैंने आपसे कहा था हम हमेशा एनायन को ऑक्सीडाइज करते हैं, पर एनायन तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, तब हमको कैटायन पे फोकस करना है। फेरस बिकम फेरिक, राइट हुआ? Fe2O3 ना सर। यस सर। O3 कहां से आ गया? फेरिक सल्फेट। हाँ फेरिक सल्फेट। हाँ अब ये K4 Fe6 है, Fe+2 है। सर आप स्क्रीन पे लिख रहे तो दिख नहीं रहा। हाँ सर नहीं दिख रहा। सर ये नहीं हुआ सर, ये वाला। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ K4 Fe CN6 वाला देखिए, एक पोटेशियम कम किया हमने और Fe हमारा +3 हो गया, K3 Fe CN6 बन गया, ठीक। उसमें एक K बच रहा था, तो वो बचा हुआ K SO4 के साथ कंबाइन हुआ और K2SO4 बन गया। लास्ट वाली रिएक्शन पे स्टार लगाया है, वो इसलिए क्योंकि ये यूनिक रिएक्शन है। बाकी सारी रिएक्शन कैसी थी? किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होंगी, पर ये बेंजीन वाली रिएक्शन में इसका यूनिकनेस है, बेंजीन बिकम फिनॉल। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, कहीं पे फर्स्ट कॉलम में किसी को प्रॉब्लम? ठीक ओके। नेक्स्ट आते हैं, वाटर कॉमन हो गया, एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड करेक्ट। फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल गिव्स नॉन मेटल का एसिड H3PO4। सल्फर का एसिड H2SO4, SO2 का एसिड H2SO4। अब K2MnO4 है, Mn6 है, कहाँ जाएगा? 7 में, Mn7+। क्या बच गया? एक K बच गया, तो K2SO4 हो गया। MnO2Mn4 है, कहाँ जाएगा? 6, तो Na2MnO4 हो गया +6 में। Cr3 है, कहाँ जाएगा? 6, Na2CrO4 हो गया। मर्क्यूरी मेटल है, तो क्या हो गया? मेटल का ऑक्साइड हो गया। हो गई रिएक्शंस। अब जिसने गलत किया है वो उसमें करेक्शंस करके कॉपी कर रहे हैं। सर आप फर्स्ट कॉलम का सेकंड लास्ट और लास्ट वाला बता सकते हैं? मैंने बोला सेकंड लास्ट में बोला Fe+2 Fe+3 किया है, एक के कम कर दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट अगर करना आता है तो करके देख लीजिए,
और लास्ट, सबसे लास्ट है उस पे स्टार लगाया है, उसको आपको यूनिक रिएक्शन बोला है। यूनिक इसलिए बोला क्योंकि जो रूल्स आपको लिखा है उसमें ये रूल नहीं आता है, ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ H2O2 कर सकता है, तो ये बाय हार्ट करने वाली रिएक्शन। ओके सर। सर वो जो सेकंड कॉलम का थर्ड लास्ट वाला है उसमें सारे एक साथ क्यों आ गए? सारे एक साथ इसलिए आ गए क्योंकि मैग्नीज का जो सिक्स बनता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में और NaOH बेस है तो एसिड बेस गिव सॉल्ट। ओके सर। सर जो फर्स्ट कॉलम में लास्ट वाला है उसमें वहाँ Fe का क्या हुआ? क्या जी? कैटलिस्ट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके सर। कॉपी हो गया सबका? नहीं सर। यस सर।
सर नॉन मेटल का जो एसिड बनेगा उसमें हमेशा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही ये होता है कि उसको हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाए। ओके सर, मैं नेक्स्ट बार आ जाऊं, हो गया कॉपी? सर नहीं हुआ सर, जल्दी करो जल्दी। सर SO2 और H2O वाला जो है, अच्छा अच्छा ओके सर। सर हो गया। देखिए जरा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगेन पॉसिबल इन बोथ द मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक बोथ। नाउ द बेस्ट मीडियम इज बेसिक, ठीक है, बेस्ट मीडियम इज बेसिक। अब की बार कुछ खास बातें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पॉसिबल ओनली व्हेन द सामने वाला ज्यादा पावरफुल, मतलब ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ऐसे केस में H2O2 ऑलवेज गिव्स O2, क्या देगा? तो अब की बार का कॉमन प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब और क्या बनेगा? तो और क्या बनेगा के लिए, अभी हमने जब ऑक्सीडाइजिंग रूल्स पढ़े थे तो हमने लेफ्ट टू राइट अप्लाई किया था, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट। तो उन्हीं रूल्स को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि उनको अप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है कि लेफ्ट और राइट में सारे एटम्स कॉमन हुए कि नहीं हुए। दैट्स इट, इज इट क्लियर? कॉपी आपको पूरा करना है, लेकिन सॉल्व आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम करना है। सेकंड कॉलम की रिएक्शन डिफरेंट है, मैंने हैशटैग किया है, वो मैं करूंगा। फर्स्ट कॉलम ट्राई करिए फटाफट।
हो गया रिएक्शन भाई कंप्लीट? हाँ सर। आई थिंक सबने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं, मैंने बनाई है रिएक्शन, देखते हैं। देखिए O2 एक फिक्स था, ओजोन की वजह से भी एक O2 आया। लेफ्ट टू राइट हाइड्रोजन नहीं था, हमें बैलेंस करने के लिए वाटर लाना पड़ा, हो गया। सेकंड रिएक्शन में MN4 था, प्लस टू में चला गया MnSO4, हाइड्रोजन नहीं था तो वाटर बन गया। थर्ड में MN7 था, MN2 में आ गया MnSO4, K बचा तो K2SO4 में आ गया वाटर। Pb+4 था, Pb+2 में आ गया हाइड्रोजन का वाटर, मेटल ऑक्साइड का मेटल, Fe+3 था प्लस टू कर दिया K4 efficiency। लेफ्ट कॉलम समझ में आया कि नहीं? यस सर। आगे चले, MnO2 वाले में सिर्फ H2 नहीं बनेगा? किसमें सर? सेकंड वाले में MnSO4 प्लस हाइड्रोजन नहीं बनेगा सर? बहुत अच्छी बात, एक हम आपको बता दें कि जितनी भी रिएक्शंस में हाइड्रोजन बनता था वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में, उतनी रिएक्शंस में कभी ये आया था रिएक्शन वहां पे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में? नहीं सर। बस सर वो MnSO4 क्यों बना सर? Mn+2 का ऑक्सीजन के साथ कुछ क्यों नहीं हो गया? क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? आप सजेस्ट करिए सर। MnO नहीं, अभी तक ऐसा लॉन्च नहीं हुआ। MnO बना दीजिए, और MnO मेटल ऑक्साइड बेसिक है, H2SO4 साथ में है तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। वही बनाया मैंने। चलूं आगे, देखिए मैंने हैशटैग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन का कॉमन प्रोडक्ट होता है K2SO4 वाटर और CrO5 बनता है। पेल ब्लू कलर का कंपाउंड है, परऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक है और अनस्टेबल भी है, ठीक। अब अनस्टेबल है, हमने इसमें अगर थोड़ा सा एसिड और डाल दिया H2SO4 तो इट टर्न्स टू क्रोमियम सल्फेट, बचा हुआ हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन, इसका कलर होता है ग्रीन, ये हो गया हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूनिक रिएक्शन है। नीचे आते हैं एडिशन, कुछ भी नहीं करना है, एक बॉन्ड ब्रेक करो, OH OH लगा दो, हो गया एडिशन। इसी तरह यूरिया के साथ सीधे आप H2O2 जोड़ दीजिए, हो गया एडिशन। करिए कॉपी इसको। सर CrO5 में पेरोक्साइड के ऊपर क्या लिखा? परऑक्साइड के पेल ब्लू कलर। ओके सर। सर लास्ट की दो रिएक्शन में लाइक एडिशन वाले में क्या हुआ, नहीं समझा ऐसा क्यों हुआ? ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एडिशन। काइंड ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो ना अभी आप, ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, एडिशन है। एडिशन मतलब जहां ऐड कर दें सीधे सीधे विदाउट एलिमिनेशन एनीथिंग। तो PbO2 वाले का Pb क्यों नहीं होगा सिर्फ? आपने रूल्स ऑक्सीडेशन के लिखे थे? हाँ सर। पढ़ के बताइए जरा, लेट Pb+4 कहाँ जाता है या Pb+2 कहाँ जाता है? Pb+2 टू Pb+4। और 4 कहाँ जाएगा तो? हाँ बट ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड देखा तो मुझे लगा मेटल बन जाएगा।
सर जो एडिशन रिएक्शन है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में नहीं आती ना? क्या चीज कह रहे हैं सर? जो एडिशन रिएक्शन है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में नहीं आती ना? नहीं, क्यों आएगी? अलग अलग कैटेगरी ऑफ रिएक्शन। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक वो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उनको फॉलो करना सीख लीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारी रिएक्शन या और भी जितनी रिएक्शन पढ़ेंगे, ट्रिक्स मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ आपको, वो आपकी चॉइस है, वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो करिए, कम से कम 10,000 रिएक्शन पढ़नी होंगी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
हो गया कॉपी? यस यस सर। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है किंग्जेट स्ट्रक्चर। किंग्जेट के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा, किंग्जेट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए जो बनाया है मैंने। एक्सप्लेनेशन क्या दिया इस स्ट्रक्चर के लिए? उन्होंने कहा H2O2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा तभी वाटर अलग हो जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है आपको? बेयर साहब बोले ना ऐसे नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो लीनियर होगा, तभी हम बीच से बॉन्ड तोड़ते हैं और OH OH दोनों तरफ जोड़ देते हैं। बट स्ट्रक्चर ना तो आपका किंग्जेट हुआ और ना तो आपका बेयर्स का हुआ। करेक्ट स्ट्रक्चर है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल में दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, आगे चलते हैं। यूजेस में एज अ फ्यूल यूज होता है रॉकेट के लिए, सबमरीन्स के लिए। एज अ एंटी क्लोर यूज होता है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, कहीं पे क्लोरीन ज्यादा है तो उसे रिमूव करने के लिए। एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है फॉर मिल्क। एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है 30% पर हाइड्रोल। एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। कोई भी यूज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड लें और उसे क्लोरीन रिमूव कर दें या रॉकेट में डाल दें तो उड़ने लगेगा या एंटीसेप्टिक बन जाएगा। एक कॉम्पोजिशन में एक पार्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है, इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं। प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है जैसा अगर आप सोच रहे हैं तो। राइट साइड में आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आपने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ लिया है, वहां पर आपको बताया भी गया होगा H2O2 का जो स्ट्रेंथ होता है उसे जनरली हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखते हैं, ये टर्म यूज किया जाता है। हमने वहां पर न्यूमेरिकल करे थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो वॉल्यूमेट्रिक में, वहां पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको एक रिएक्शन बताई जाती थी, फिर सब कुछ करना पड़ता था। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आप ये याद रखते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल H2O2 वाला डायरेक्ट हो जाएगा। परसेंट स्ट्रेंथ निकालना है 17/56 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के साथ रिलेशन है, यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू एनी टर्म्स। करिए कॉपी। सर वो जो ओपन बुक वाला स्ट्रक्चर है उसमें पर्पल लाइंस क्या है? डॉटेड लाइंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइंस। सो वो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड में। सर वो जो एंटीसेप्टिक उसमें सॉरी एंटीसेप्टिक इसमें 30% पर हाइड्रोल क्या है?
कॉपी हुआ है कि नहीं? नहीं सर। यस सर। जल्दी करके बताइए सर। एक डाउट है, वो जो एंटीसेप्टिक में वो 30% पर हाइड्रोल क्या है, वो नहीं समझा। पर हाइड्रोल उसका नाम है, ठीक है। जैसे आप यूज करते हो डेटॉल, तो डेटॉल तो नाम है ना, डेटॉल केमिकल फॉर्मूला थोड़ी ना है। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड जब एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है तो उसे हम परहाइड्रोल बोलते हैं, और उसमें H2O2 का परसेंटेज पूछा गया था, इसलिए मैंने लिख दिया कि 30% होता है वो। ओके सर। कॉपी हो गया भाई? हाँ सर। देखिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं तो हमें 3% ही H2O2 मिलता है, 97% वाटर मिलता है, यानी कि वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है। ऐसे में अगर हम वाटर को रिमूव करने के लिए बॉइल करते हैं तो एक्सप्लोजन हो जाता है, तो हम ये तो कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें, हम 60-70 डिग्री सेल्सियस उसे हीट करते हैं, जिससे हमको 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है, ठीक। इसके बाद हम डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर, 15 mmHg पे 30-40 डिग्री सेल्सियस, जिससे हमको 90% मिलता है। इसके बाद हम कूलिंग करते हैं बाई ड्राई आइस, ईथर और क्रिस्टलाइजेशन, हमें 99.99% मिल जाता है। तो इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 करते हैं ग्रेजुअली।
इसके बाद नीचे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड लिखा है, पहला वाला टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइटेनियम का सॉल्ट है जिसमें हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परोक्साइड डाला है, हमको येलो ऑरेंज कलर आ जाता है जो कंफर्म करता है H2O2 को, इसे पर टाइटेनिक एसिड बोलते हैं। Ki प्लस स्टार्च में H2O2 डाला, ब्लू वॉयलेट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सी है फिल्टर पेपर विद अ ब्लैक स्टेन, ये हमने ऑलरेडी रिएक्शन किया भी था कि फिल्टर पेपर के ऊपर PbS डालते हैं तो ब्लैक कलर आता है, हाइड्रोजन परोक्साइड से वो ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्फर्म करता है प्रेजेंस को। सी तक कॉपी कर लीजिए फिर और बताते हैं। सर वो ब्लू व्हाइट कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? क्या जी? सर ब्लू व्हाइट कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? क्या पूछ रहे हो? सॉरी सर, ब्लू वायलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इसका कलर होता है। फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि स्टार्च पॉलीमर होता है और पॉलीमर को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। ओके सर। लिख लिया सर।
देखिए लास्ट टेस्ट ये वही रिएक्शन है जो अभी हमने आपको हैशटैग करके बताई थी कि डाइक्रोमेट में अगर आप H2O2 डालते हो एसिडिक मीडियम में तो ब्लू कलर आता है, दैट ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ CrO5। कॉपी हुआ है ये? नहीं सर। हाँ सर हो गया। एक सेकंड सर। देखिए जरा हाइड्राइड्स, तीन हाइड्राइड्स हैं, आयोनिक, मॉलिकुलर, मेटालिक। आयोनिक को सेलाइन और क्रिस्टलाइन सॉल्ट हाइड्राइड भी बोलते हैं, मॉलिकुलर को कोवेलेंट बोलते हैं और मेटालिक को इंटरस्टिशियल बोलते हैं। आयोनिक जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ लेंथेनाइड्स होते हैं, ये वाइट ग्रे कलर के हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक हैं, सेलिबल हैं, गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। अगर आपको हाइड्रोजन की प्रिपरेशन याद हो तो हमने हाइड्रोलिक पढ़ा था कि वाटर डालते हैं तो H2 निकलता है, इसलिए हम इसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी मानते हैं। और थर्मल स्टेबिलिटी यानी हम स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स देखें तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। सेकेंड है कोवेलेंट और मॉलिकुलर, ये ऊपर से जो बेरिलियम मैग्नीशियम आउट हुए थे वो यहाँ पर हैं, फॉर्म्ड बाय बेरिलियम मैग्नीशियम, पी ब्लॉक एक्सेप्ट जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप नहीं बनाता है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, मोस्टली वोलेटाइल होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। डेफिशिएंट हम उसे बोलते हैं जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो अनस्टेबल है, ऐसे में उसकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, अपने आप को वो पॉलीमराइज कर लेता है। इस कैटेगरी में बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा ग्रुप 3 पूरा आता है। एग्जाम्पल देख पा रहे हो आप, BeH2 का होल N लिखा है, N का मतलब पॉलीमर है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आता है, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये ग्रुप 4 के मेंबर हैं, CH4, SiH4 इस ग्रुप का कोई भी मेंबर। तीसरा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है, इस तरीके से होता है। करिए कॉपी। तो बट वाटर में हाइड्रोजन हाइड्राइड थोड़ी ना है। हाँ जी, हमने आपको हाँ बोलिए, क्या बोलते हैं उसको हम? सर हाइड्रोनियम बोलते हैं ना सर। हाइड्रोनियम मैडम आयन होता है, शायद आपने कभी पढ़ाई करी हो तो पता हो आपको, मैंने ही पढ़ाया हाइड्रोजन चैप्टर में, और वो H3O+ होता है। करिए कॉपी।
सर वो थर्मल स्टेबिलिटी वाला पार्ट एक और बार बता सकते हो, कौन सा? वो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस वाला? हाँ देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम लोग वापस से इस ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी में हम ये कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी लिथियम अपना सबसे स्टेबल हाइड्राइड बनाएगा और सीजियम सबसे कम। ये जो ऑर्डर है ये पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए, एस ब्लॉक पी ब्लॉक सबके लिए, मतलब वो नाइट्रोजन का फैमिली हो, ऑक्सीजन का फैमिली हो, हेलोजन का फैमिली हो, बोरॉन का फैमिली हो, ग्रुप टू हो, ग्रुप वन, कोई भी। ओके सर, ये वापस आएगा एस ब्लॉक में। देखिए जरा, थर्ड हाइड्राइड मेटालिक और इंटरस्टिशियल हैं, डी एंड एफ के सारे एलिमेंट्स बनाते हैं एक्सेप्ट 7, 8, 9। इंटीजर में पूछा हुआ जाएगी का क्वेश्चन है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो हाइड्राइड नहीं बनाते, तो याद रखिए तीन ग्रुप हैं 7, 8, 9। इसे हम हाइड्राइड गैप बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का, 7, 8, 9 को हाइड्राइड गैप बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस की जो है वो है, ये नॉन स्टॉशियोमेट्रिक होते हैं, मतलब फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं 1.73 है। हमें ऐसे फॉर्मूले अच्छे नहीं लगते, हमने ऐसे कभी नहीं पढ़े हैं। इसका लॉजिक क्या है, तो आपको मैंने अगर याद हो तो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट भी बताया था, मेटल एटम के बीच का जो स्पेस होता है यहाँ पर हाइड्रोजन सेट होता है, तो जो फॉर्मूला दिख रहा है वो रेशियो बता रहा है आपको कि कितने मेटल पे कितना हाइड्रोजन। बाकी प्रॉपर्टीज आप देखिए नॉर्मल है, मेटेलिक लस्टर होना, हार्ड होना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल। दो पॉइंट्स, नॉन स्टोशियोमेट्रिक होना और हाइड्राइड गैप क्रिएट करते हैं। करिए कॉपी। आपने इंटरस्टिशियल हाइड्रेट में सोडियम का एग्जांपल दिया था ना? हैं? कब दिया भाई सोडियम का एग्जांपल? सर आपने कुछ तो दिखाया था कि सोडियम कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं, हवा हवाई नहीं। नोट्स है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ सर, चेक करिए प्लीज। हाँ, और वो हाइड्राइड नहीं, हाइड्रेट था, हाइड्रेट वॉटर। यस सर, हाँ
हो गया कॉपी? एक सेकंड सर। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है, अभी मेरी बात सुनिए। चैप्टर हो गया है फिनिश, आपको मॉड्यूल लगाना है 100% हाइड्रोजन का। नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, जिसने कर लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप रेंडमली कभी भी करेंगे और कभी भी पूछेंगे। सबको बोल दे रहा हूँ ये बात, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व हो जाना चाहिए हाइड्रोजन। मुझे नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है एस ब्लॉक का सर। हाँ जी, हमें इनऑर्गेनिक के लिए इस क्लास के नोट्स काफी हैं या फिर एक दूसरी बुक से भी पढ़ना चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि जरूरत है, बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, वैसा नहीं कि मतलब सारा कंटेंट मतलब ऐसा काफी है ना, इतना ही क्लास नोट्स बार बार पढ़ने को। जब आप करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट, वहां से आप जज कर लीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे ये कंप्लीट करके एस ब्लॉग स्टार्ट करना है मुझे, तो आप करके रखिएगा, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। चलिए, गुड बाय, थैंक यू सर। बाय।